नौजवान है वो बाहर जाते हैं बुजुर्ग को। और कई बेरोजगार लोगों ने इसका आह्वान किया था, जिसका राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया। उन नौजवानों के संघर्ष के साथ राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग खड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी अगर युवाओं की किसी प्रदेश में है तो वो बिहार है, सबसे युवा प्रदेश। लेकिन बिहार में हकीकत अगर बात की जाए तो बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है बिहार। और जो बेरोजगारी का केंद्र बना है, डबल इंजन होने के बावजूद भी मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। नीतीश कुमार जी ने 15 साल तक बिहार में राज किया, लेकिन एक भी कल कारखाने जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, बल्कि जो सरकारी पदे जो रिक्त हैं उसको भी भरने का काम उन्होंने नहीं किया, जिसका आंकड़ा हमने कई बार आप लोगों के सामने पेश किया, जो आंकड़ा बनता है 4.5 लाख का। जो पहले से कारखाने थे, जूट मिल था, पेपर मिल था, आपका कॉटन मिल था, ये सारी चीजें जो है बंद हो गई डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया, लेकिन जवान नौजवानों ने बड़े विश्वास के साथ इन लोगों को मौका दिया, सत्ता पे बैठाया, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं, धोखा मिला। चाहे शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है हर एक सूचकांक में फिसड्डी साबित हुआ है, सबसे पिछड़ा राज्य है। आज पलायन आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर आए थे उनको नीतीश कुमार जी ने रोजगार नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं कराई, उनको अपनी कुर्सी की चिंता रही, ना किसी नौजवानों से रूबरू हुए, ना बातें की, कोई संवाद जो है युवाओं के प्रति जो है उन्होंने नहीं बढ़कने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो जो है बिहार का नौजवान है। और आप देखिएगा लगातार एसएससी की बहाली को लेकर के हो, परीक्षा को लेकर के हो, और जो बीपीएससी का जो आपने देखा है स्थिति कि 5-6 सालों में भी जो है प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की जाती है, इससे दुखद और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ग्रेजुएशन जो है 3 साल में भी पूरा नहीं हो पाता। हम लोग लगातार जो है सवाल हम लोग पूछते रहे नीतीश कुमार जी से कि आप जो है बताइए आपने कितनी रोजगार की जो है व्यवस्था आपने कराने का काम किया, आपने कितने कारखाने लगवाने का काम किया, आपने पलायन क्यों नहीं रोका। बिहार जो है गरीबी रेखा में सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब प्रदेश है तो बिहार है। आपने गरीबी हटाने के लिए, मिटाने के लिए आपने क्या काम किया, तो नीतीश कुमार जी का इस पे कोई जवाब नहीं मिलता है। हालांकि हम खुद नौजवान हैं, उनकी पीड़ा को, उनके दिक्कतों को हम जानते हैं, लेकिन आप देखिएगा पढ़ाई लिखाई रोजगार जो बेसिक नीड्स है, डबल इंजन की सरकार कहती है कि भैया आप जो है आत्मनिर्भर बनिए। जब तक रोजगार लोगों को उपलब्ध नहीं होगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, ये सवाल जब पूछता है बीपीएससी से बाहर खड़ा होकर के नौजवान पूछता है, जवान जो महिलाएं पूछती हैं कि भैया नर्स की बहाली कब होगी, पदे क्यों खाली हैं, तो यही नीतीश कुमार जी उनके डंडे बरसवाने का काम करते हैं। तो इसलिए आप जानते हैं कोरोना महामारी के बाद जो है बेरोजगारी जो है और बढ़ा, देश का जीडीपी जो है -23 हो चुका है, नेगेटिव में चला गया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बिहार का जीडीपी कहां होगा। नीतीश कुमार जी ने वर्चुअल रैली की है, एक्चुअल रैली भी की है, दोनों फ्लॉप रहे, बल्कि लाइक से ज्यादा डिसलाइक रहा, 200 लाइक रहा तो 20,000 की संख्या में जो है डिसलाइक रहा लोगों ने। और नौजवान जो है आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो है एक्टिव जो है वो फोन पे है, सोशल मीडिया पे है, ये उनकी राय है। और जब वो भाषण दे रहे थे तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था बिहार रिजेक्ट्स नीतीश कुमार, तो ये साफ साबित करता है कि नीतीश कुमार जी ने लोगों को ठगा है। हम लोगों को बकायदा जितने सवाल हमने पूछे थे 10 सवाल, उसका एक जवाब भी
इन्होंने नहीं दिया। और उल्टा झूठे आंकड़े उन्होंने बोला कि प्रतिदिन जो है मानदेय दिवस पे आप प्रतिदिन जो है 10 लाख लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं। आप 10 लाख प्रतिदिन दे रहे हैं तो इसका अगर आप 30 दिन से गुणा कीजिएगा तो कितना करोड़ होता है, उसका अगर आप महीने से कीजिएगा 12 महीना एक साल में होता है तो कितना हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी का जो फर्जीवाड़ा है अब बिहार की जनता सहने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पेट पे लात मारा है। नीतीश कुमार जी क्या कानून लाते हैं जब चुनाव आता है, तो SC ST कानून को खत्म कराते हैं जो एक्ट था बीजेपी के साथ मिलकर के। रिजर्वेशन इन प्रमोशन में क्या हुआ आप देखिएगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ही नहीं बल्कि जितने बैकलॉग थे वो क्यों नहीं भरे गए। हम लोग बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है चुनावी झुंझुना लेकर के बैठे हैं। अब जब आचार संहिता आ रही है तो वो दलितों को लुभाने के लिए करते हैं। क्या कह रहे, कपाड़ में गोली खाओगे, कपाड़ में गोली खाओगे तब रोजगार मिलेगा, यानी मरने के बाद रोजगार देंगे। जीते जी क्यों नहीं रोजगार मिलता, जीते जी क्यों नहीं दे सकते ये सरकार रोजगार। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। सिर्फ दलित को दीजिएगा रोजगार ठीक है, लेकिन उनके परिवार में मरेंगे तब दीजिएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी लोगों को देना पड़ेगा। आप हत्या का, मर्डर का आप प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। क्या स्वर्ण जाति हो, पिछड़े जाति हो, अति पिछड़े जाति हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में अगर हत्या होती है उनके परिवार में किसी की, तो आप रोजगार नहीं दीजिएगा। ये दोहरी नीति नीतीश कुमार जी की साफ स्पष्ट करता है कि इनको केवल और केवल जाति की राजनीति करनी है। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन जितनी भी बहालियां होती हैं उसमें विशेष जाति के लोगों को, विशेष क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। सिपाही बहाली हो या कोई और बहाली हो, बड़े पैमाने पर धांधली होते हैं लेकिन कार्रवाई किसी पे आज तक नहीं होता। आप पूछिए आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर नौजवान करोड़ों की संख्या में अगर बेरोजगार है, परीक्षा समय पे नहीं होता, धांधली होती है, 58 घोटाले होते हैं, बिहार का 20,000 करोड़ का नुकसान होता है, चोरी होता है, घुसखोरी होता है, तो क्या नीतीश कुमार जी ने किस पे कार्रवाई की, किस पे एक्शन लिया। तो इसलिए आज हम लोग सब लोग जदयू के लोग जरूर बोलेंगे ये बात, लालटेन युग खत्म हो गया, परिवार में बेरोजगारी है, ये बात हम जानते हैं। ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते, ये केवल केवल हमारे हमारे परिवार को, पार्टी को बदनाम करना और गाली देना इनका काम है। इनकी शैली जो थी, भाषा जो थी, जो भाषण की, उसमें बदलाव हम सब लोगों ने देखा है, आपने देखा, हमने देखा। 3 घंटे भाषण दिए लेकिन ये उपाय नहीं बताया कि बेरोजगारी कैसे मिटाएंगे, गरीबी कैसे मिटाएंगे, कारखाने कब लगवाएंगे, भूखमरी कब खत्म करेंगे, ये उपाय नहीं बताया। हम लोगों पे आरोप लगाते रहे, मुबारक हो नीतीश जी, आप कहोगे लालटेन युग खत्म हो चुका है, लेकिन ये भी जान लीजिए LED का आविष्कार आपने नहीं किया है। और जब लालटेन युग अगर खत्म हो गया है तो तीर का क्या काम है, अब तो मिसाइल आ चुका है, मिसाइलों से दागा जा रहा है। तो ये जो लोगों को गुमराह करने की जो ये बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लगाएंगे आरोप, लेकिन उनको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। मेरा आधा उम्र है, मेरा उम्र जितना होगा उनका पूरा राजनीतिक करियर समझ लीजिए कि उतना होगा। तो अगर नीतीश कुमार जी ऐसी स्तर की बातें करेंगे तो उनको तो पता होना चाहिए कि ये जो अंधकार जो है इसके लिए एक LED बल्ब से ये अंधकार मिटने वाला नहीं, बल्कि इसके लिए आपको रोजगार का प्रकाश देना पड़ेगा। जो करोड़ों लोगों के घरों में जो अंधकार है इसको अगर आपको प्रकाश करना है तो आपको रोजगार देना होगा। इसलिए बेरोजगारों ने तो आंदोलन किया, BPSC के बाहर भी डंडे खाए, कोई उपाय नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई नेता सरकार में अधिकारी तक नहीं बात करता उन नौजवानों से। ये तो अजीब सा तानाशाह है, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, इनका कोई छोटा अधिकारी भी इनकी बात नहीं सुनता। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अफसरशाही चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है, जहां किसी की सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम सब लोगों ने जो आंदोलन स्वयं सेवक संगठनों ने और बेरोजगारों ने देश भर में लिया, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से
पार्टी ने हम सब लोगों ने समर्थन किया। मुंबई में जो है उसमें क्या बात कर रहे हैं, कल वो छात्र फिर से बीपीएससी पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो बताओ नेता प्रतिपक्ष क्या आप शामिल होंगे उनके प्रदर्शन में? अरे बोल गए, देखिए प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ गई? अब हम जाएंगे या हम कुछ कहेंगे तो जेडीयू के लोग बीजेपी के लोग कहेंगे कि ये हम करवा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हम तो पूरी तरीके से उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके संघर्षों में उनके साथ हैं।